DPICM एक ऐसा बम है जिसे हवा में एक ऊंचाई पर फट जाने के लिए डिजाइन किया गया, और जब ये फटता है तो इसमें से कई सारे छोटे छोटे बम्स निकलते हैं जो एक बड़े इलाके को तबाह कर देते हैं। एक बार फायर हो जाने के बाद ये हवा में उड़ता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहता है। जब शेल टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है तो फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। फ्यूज एक्सपल्शन कप में रखे हुए विस्फोटक में इग्निशन शुरू कर देता है, इससे कप में एक छोटा धमाका होता है। इस धमाके से इसके पीछे मौजूद कुशन प्लेट पर जोर का धक्का लगता है और ये इसके नीचे रखे ग्रेनेड्स को बिखेर कर बड़े एरिया में फैला देता है। जब ग्रेनेड नीचे गिरने लगता है तो इस पर लगा नायलन रिबन खुल जाता है। लहराने के साथ साथ ये रिबन स्पिन भी करता है। असल में ये रिबन फायरिंग पिन पे लगा होता है और इसलिए ये फायरिंग पिन को घुमाकर वेट में से अनस्क्रू कर देता है। जब ग्रेनेड किसी चीज से टकराता है तो ये जो वेट है ये फायरिंग पिन के साथ एक झटके से नीचे आता है। शेप चार्ज में आग लगने पर इसके नीचे से एक पावरफुल जेट निकलता और इसी दौरान इसकी बाहरी मेटेलिक बॉडी छोटे छोटे घातक टुकड़ों में टूट कर एक्सप्लोड कर जाती है।